हम अपने उदाहरण के लिए मान लेते हैं 10 बजे के बाद 10 वोटर और आए और 10 वोटरों ने अपनी वोट झाड़ू पे डाली और हम देखेंगे कि आखिरी में रिजल्ट क्या होगा, उसको मैं आप सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो अब जो अगला वोटर आया उसके लिए मशीन खोली गई, उसने ये झाड़ू पे बटन दबाया, एक वोट। फिर मशीन खोली गई, झाड़ू पे बटन दबाया, कितने हो गए? दो पहले थे, दो ये हो गए, कितने हो गए? चार वोट। फिर मशीन दबाई, एक और वोट डाला, कितने हो गए? पांच वोट। आम आदमी पार्टी के कितने हो गए? पांच वोट। बीजेपी के कितने थे? तीन। अब फिर बटन दबाया, अब फिर झाड़ू पे दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू पे कितने हो गए? छह। फिर एक वोटर आया और उसने फिर झाड़ू पे बटन दबाया, बीजेपी के कितने थे? झाड़ू के कितने हो गए? फिर एक वोटर आया, फिर झाड़ू बटाई, बीजेपी के तीन, झाड़ू के आठ। फिर एक वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, कितने हो गए झाड़ू के? नौ। बीजेपी के कितने हैं? फिर वोटर आया और उसने भी झाड़ू चलाई, बीजेपी के तीन, झाड़ू के दस। तो अब जब 26 तारीख को वोटिंग की काउंटिंग शुरू होगी तो आपके काउंटिंग एजेंट आएंगे, आपके कैंडिडेट आएंगे, वो दोबारा से अपने अपनी सील को देखेंगे कि जी सील तो ठीक है, और उनके सामने काउंटिंग शुरू होगी। तो मैं अब आपको वो काउंटिंग दिखाता हूं जो आखिरी दिन, काउंटिंग डे वाले दिन जब बक्सा खुलेगा तब किसको कितनी वोट मिलेंगी। तो कैंडिडेट वन जो है वो आम आदमी पार्टी है, टू जो है वो बीएसपी है, थ्री जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, चार जो है वो कांग्रेस है, पांच जो है वो समाजवादी पार्टी है। इसको अब ध्यान से दिखाना है अपने को। अब मैं रिजल्ट दबा रहा हूं, टोटल वोट 19, पहले कैंडिडेट को 2, दूसरे को 2, तीसरे को 11, मुबारक हो सिरसा जी, चौथे को 2, पांचवे को 2, छठे को 0, सातवें को 0, आठवें को 0, नौवें को 0। अब ढोल आ गए, सिरसा जी और जगदीश जी नाच रहे हैं।